द स्टेपल कॉमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द एटीन सेंचुरी वेयर कॉटन सिल्क सॉल्ट पेट्री और ओपियम। द स्टेपल कॉमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ एटीन सेंचुरी वेयर सो बंगल से ईस्ट इंडिया कंपनी में ये बाहर क्या एक्सपोर्ट करते थे चार चीज़ एक्सपोर्ट करते थे कॉटन सिल्क फिर सॉल्ट पेटरी और ओपीएम कॉटन सिल्क सॉल्ट पेटरी और ओपीएम द स्टेपल कॉमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगॉल इन द मिडल ऑफ द एटीन सेंचुरी वेयर कॉटन सिल्क सॉल्ट पेट्री और ओपियम। सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेसली सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेसली ने और उसका क्या कंडीशंस थे पहला टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस मतलब दूसरे के खर्चे पे अपना लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना दूसरा टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर सो इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखना किससे नेपोलियन Napoleon से नेपोलियनिक डेंजर से तीसरा टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश फार पारामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश पारामसी को बढ़ाना इंडियन स्टेट्स के ऊपर सब्सिडीरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेलेसली ने इंट्रोड्यूस किया था उसके तीन ऑब्जेक्टिव थे पहला कि एक लार्ज मिलिट्री या स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एक्सपेंस मतलब दूसरे के खर्चे से अपने आर्मी को स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना दूसरा इंडिया को सेफ रखना नेपोलियनिक डेंजर से और तीसरा ब्रिटिश पारामॉन्सी को एस्टेब्लिश करना इंडियन स्टेट्स के ऊपर इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी वॉज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सो इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश रूल का क्या रिजल्ट हुआ है भारत के ऊपर नाइनटीन सेंचुरी में कि ये इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ नील दर्पण वॉज रिटर्न नील दर्पण कब लिखा गया था एटीन फिफ्टी नाइन में सत्येंद्र नाथ क्लियर सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन एटीन सिक्सटी थ्री आर्य समाज का फाउंड हुआ 1875 में और आनंद मठ कब लिखा गया 1882 में नील दर्पण किसने लिखा है नी, नील दर्पण किसने लिखा था दिनबंधु मित्रा ने लिखा था और कब लिखा था ये 1859 में सत्येंद्र टैगोर जो है ये जी कि इसने आपका सिविल सर्विस एग्जाम कब क्लियर किया था 1863 में आर्य समाज का फॉर्म हुआ था 1875 में और आनंद मत कब लिखा गया था 1882 में संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस किसने स्टैब्लिश किया था जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत कॉलेज किसने खोला था जोनाथन डंकन ने कलकत्ता मदरसा किसने खोला था वैरन हेस्टिंग्स ने और फोर्ट विलियम कॉलेज किसने खोला था वेलेसली ने संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जोनाथन डंकन कैलकटा मदरसा Welles... वेलेस वैरन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेसली वुड्स डिस्पैच में क्या था ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वॉज रिकमेंडेड सो वुड्स डिस्पैच में क्या था ग्रांड्स इन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वॉज रिकमेंडेड हु लेड वॉट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कैसे आया चार्टर एक्ट 1813 से जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट एंजल एन एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी और एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी तीन चीज़ें हैं जिसके कारण से भारत में इंग्लिश एजुकेशन आया पहला चैटर एक्ट एटीन थर्टीन दूसरा आया जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एटीन ट्वेंटी थ्री फिर ओरिएटलिस्ट और एंड एंग्लिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी औरिएंटलिस्ट एंड एंगलिस्ट एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी औरिएटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी फाउंडर ऑफ हिंद मजदूर सभा कब हुआ हिंद हिंद मजदूर सभा का फॉर्म हुआ था 1948 में और इसका फाउंडर कौन थे तीन थे अशोक मेहता जीजी मेहता टी एस रामानुजम अशोक मेहता जीजी मेहता और टी एस रामानुजम अशोक मेहता जीजी मेहता और टी एस रामानुजम हिंद मजदूर सभा का फॉर्म हुआ 1948 में किसने फाउंड किया था ये अशोक मेहता जीजी मेहता टी एस सुब्रमण्य टी एस रामानुजम विच फॉरन ट्रेवलर इलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड एंड डायमंड माइन्स इन इंडिया जीन बैप्टिस्ट टैवरनीयर जीन बैप्टिस्ट टैवरनीयर कौन से फ़ॉरन ट्रेवलर ने भारत में डायमंडायमंड माइन्स के बारे में इलाबोरेटली डिस्कस किया है जीन बैप्टिस्ट टैवरनीयर फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द क्रिश्चन मिशनरीज हु फाउंडेड जियुइट ऑर्डर इन इंडिया जयसुइट ऑर्डर इन इंडिया सो जेसुइट ऑर्डर इन इंडिया किसने फाउंड किया था फ्रांसिस जेवियर ने जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरीज था ही फाउंडेड जेसुइट जेसुइट ऑर्डर ऑर्डर इन इन इंडिया इंडिया द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ एटीन सेंचुरी वेयर कॉटन सिल्क सोल्ट पेट्री ओपियम सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलसली टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर टू ओवर द इंडियन स्टेट्स इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी वॉज कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नील दर्पण कब लिखा गया था 1859 में सतेंद्र नाथ क्लियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1863 सिक्सटी आर्य समाज 1875 सेवेंटी फाइव आनंद मठ एटीन संस्कृत कॉलेज एट बनारस किसने स्टैब्लिश किया था जोनाथन डंकन ने मदरसा वैरन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम कॉलेज Wood's dispatch, grants and aid system was introduced, and establishment of universities was recommended. What led to the introduction of English education in India? Charter Act 1813, General Committee of Public Instruction 1823, Orientalist and Anglicist controversy. Founder of Hind Mazdoor Sabha 1948, Ashok Mehta, G.G. Mehta, T.S. Ramanujam. Which foreign traveller elaborately discussed about diamonds and diamond mines in India? Jean Baptiste Tavernier. फ्रांसिस जीवियर वॉज वन ऑफ द क्रिश्चन मिशनरीज हु फाउंडेड द जे सी ऑर्डर इन इंडिया क्या बात सही है यस बाय